हेलो गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग चैप्टर सम्मिश्र संख्या। ओके, इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो इसका पूरा नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले ये आइडिया आता कहाँ से है। एक साइंटिस्ट थे आयलर, आयोटा, और वो मैथमेटिक्स के कुछ एक्सपेरिमेंट किया करते थे। और मैं उनका एक एक्सपेरिमेंट आपको दिखाता हूँ। वो मैथमेटिक्स पे इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे। वो इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन। मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन एक इक्वेशन है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर कर दिया जाए तो वन आ जाए। तो आप बोलेंगे सर ये बहुत ईजी है, इसको सॉल्व करने के लिए सर x इक्वल टू अंडर रूट वन करेंगे और आंसर आएगा x इक्वल टू प्लस माइनस वन। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो इसके मूल बनेंगे, दो इसके रूट्स बनेंगे, एक प्लस वन और माइनस वन। बोलिए सर यस और नो। ओके, अब ये दो रूट्स तो बन चुके हैं हमारे पास, एक प्लस वन और माइनस वन। अगर मैं एक इक्वेशन लेता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, तो क्या कहता है ये इक्वेशन? ऐसे नंबर बताओ x के जिनका स्क्वायर करने पर नेगेटिव वन आए। आप बताइए मुझे खुद, क्या कोई ऐसा नंबर है रियल वर्ल्ड में कि जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव आए? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। मतलब रियल वर्ल्ड में ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता है जिसका स्क्वायर नेगेटिव आ सके। चलो तो सॉल्व करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इन्होंने एक नई क्वांटिटी ईजाद कर दी और कहा कि जो फंडामेंटल इमेजिनरी क्वांटिटी है, जो सबसे पहली इमेजिनरी क्वांटिटी है जन्म लेते ही, उस क्वांटिटी का नाम है अंडर रूट माइनस वन। और प्लस और माइनस आएगा ही क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए दो रूट्स बन करके आ गए प्लस माइनस आयोटा। तो प्लस माइनस आयोटा कहलाती है फंडामेंटल इमेजिनरी क्वांटिटी। सारी इमेजिनरी क्वांटिटी इसी से मिल करके बनी है। बोलिए सर क्लियर है? सो इफ I इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस वन, इफ I इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन, प्लस माइनस आप चाहें तो लगा सकते हैं। सो आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस वन, सो आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, क्लियर है सर? और आयोटा का जो स्क्वायर होगा वो माइनस वन के इक्वल होगा। अब आइए इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ। जब कैसे सॉल्व किया गया इक्वेशन, तो इक्वेशन था एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है? और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। क्यों सर, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? हाँ, तो ये बन गया a प्लस बी, ए माइनस बी से x प्लस आयोटा, x माइनस आयोटा इक्वल टू ज़ीरो। अब कंपेयर करूंगा तो एक रूट आएगा x इक्वल टू माइनस आयोटा और एक रूट आएगा x इक्वल टू प्लस आयोटा। सो यू कैन राइट अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा एंड बीटा इज इक्वल टू प्लस आयोटा। तो इस तरीके से हमारा ये जो इक्वेशन था ये सॉल्व हो गया और इसके दो रूट निकल करके आ गए, एक निकला प्लस आयोटा, एक निकला माइनस आयोटा। विशेष बात यह है कि दोनों ही रूट प्योरली इमेजिनरी है। क्लियर सर? ओके, तो यहाँ से इमेजनरी नंबर की शुरुआत हो जाती है और हमारा पहला कंसेप्ट इमेजनरी नंबर का यहाँ से आ जाता है। मतलब अर्थात आयोटा इज इक्वल टू माइनस वन, अंडर रूट माइनस वन। ये सर पीडीएफ सारे मैंने आपको दे दिए हैं, फिलहाल चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, ठीक है सर? हाँ, तो माइनस वन के धनात्मक वर्गमूल के लिए संकेत आयोटा का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग अंडर रूट माइनस नाइन। अगर आपके पास अंडर रूट माइनस नाइन है तो इसको इस तरीके से लिखेंगे अंडर रूट माइनस नाइन इक्वल टू माइनस वन इंटू नाइन, नाइन, ठीक है ना? माइनस वन इंटू नाइन और माइनस वन को अलग कर लेंगे और ये बन जाएगा कितना, थ्री आयोटा। अगर आपके पास माइनस सेवन है तो आप लिख लेंगे इस तरीके से, तो आई रूट सेवन। बोलिए सर क्लियर है ये वाला टॉपिक? यस सर, ठीक है। अब देखते हैं आयोटा की पूर्ण घात, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना? मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि आयोटा की पूर्णघात की शॉर्ट ट्रिक क्या है, ठीक है? जैसे आपके पास क्वेश्चन में आ गया, हाँ एग्जांपल के लिए
आपको क्वेश्चन के लिए आ गया है आयोटा की पावर 26 ही आपको निकालना है। तो इसको समझने के लिए पहले सबसे पहले आपको कुछ करना पड़ेगा, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3 और आयोटा की पावर 4, इनको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आयोटा की पावर 1, 2, 3, 4 को, ठीक है ना सर। तो आयोटा की पावर 1 कितनी होगी, आयोटा ही होगी, बिकॉज आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1। नाउ आयोटा की पावर 2 निकालता हूँ, तो आपने देखा है कि आयोटा क्या होता है, अंडर रूट माइनस 1 और इसका स्क्वायर कर दोगे तो बोलो कितना आ जाएगा, माइनस 1। बोलिए क्लियर सर। आयोटा क्यूब इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा, तो कितना हो गया, माइनस आयोटा। और आयोटा की पावर 4 मतलब कि अंडर रूट माइनस, मतलब कुल मिला के आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब प्लस 1। डन सर, ये चार पावर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फिर से देखिए क्या होता है, अगर आयोटा की पावर 5 लिखा जाए तो आयोटा की पावर 5 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई आयोटा की पावर 1। सो आयोटा की पावर 4 कितना हो चुका है, 1 हो चुका है और फिर से क्या हो गया, आयोटा। नाउ आयोटा की पावर 6 इक्वल टू आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई आयोटा का स्क्वायर, तो ये हो चुका है 1 और ये फिर से क्या बन गया, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1, तो आंसर आ गया माइनस 1। आयोटा की पावर 7 इज इक्वल्स टू आयोटा पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो फिर से हो गया ये आयोटा क्यूब और आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा। एंड आयोटा की पावर 8 इज इक्वल्स टू आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई आयोटा की पावर 4 मतलब 1 × 1 इक्वल्स टू 1। क्लियर सर, बताइए सर जोर से। हाँ तो ये बताइए यहां से क्या लॉजिक निकल करके आ रहा है, आप ही देख करके बताइए क्या लॉजिक निकल कर क्या आ रहा है। सर वो तो ठीक है, मगर आप ध्यान से देखो ये रिपीट हो रहे हैं, आयोटा यहाँ पे आ गया, फिर से आयोटा आ गया, फिर ये माइनस 1, फिर ये माइनस 1। हाँ या ना सर, बिल्कुल सही, ये चारों पावर इसी में घूम रही है, इन्हीं चार में से आएगा जो भी आंसर आएगा, है ना सर। और सबसे बड़ी बात ये है कि आयोटा की पावर 4 के जितने भी पेयर बनेंगे उनका सबका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यस सर, ओके। एक और खास बात, अगर इन चारों को आप जोड़ दो, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4, अगर आप इन चारों को जोड़ दो तो आयोटा की वैल्यू है 1, सॉरी आयोटा ही है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस 1, आयोटा क्यूब की वैल्यू है माइनस आयोटा और आयोटा 4 की वैल्यू है प्लस 1। बताइए चारों को जोड़ने पर कितना आएगा, 0। माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, माइनस आयोटा से प्लस आयोटा, तो आंसर आ गया 0। मतलब आयोटा की लगातार चार पावर को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब इसी पर बेस में आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखता हूँ आप कितने अच्छे लॉजिक लगा पाते हैं। सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 to 100 आयोटा टू द पावर आर, ये आपके सामने क्वेश्चन है। चलिए सिग्मा का नोटेशन का मतलब जानते हैं आप सर, सिग्मा नोटेशन का मतलब जानते हैं आप? हेलो एक सेकंड सर, थोड़ा सा यहाँ पे ग्लिच आया है पावर। हाँ बेटा बोलो सर, एक सेकंड, थोड़ा सा नेटवर्क में थोड़ा सा इशू है, 2 मिनट रुकिए, अपने आप सही हो जाएगा। वेट करो बेटा, क्या हुआ बेटा, मार्क्स नहीं, मार्क्स नहीं लिखे, वो मैं बता दूंगा लास्ट में। हाँ सर, हेलो, हाँ सर, हाँ सर वापस आ गए, ठीक है, स्क्रीन दिख रही सर, ओके सर, हाँ सर सॉल्व कीजिए।
हाँ जी सर, यहाँ क्वेश्चन दिया है आर इक्वल्स टू 1 to 100 आयोटा की पावर आर। सर समेशन का मतलब होता है सक्सेसिव एडिशन, लगातार एडिशन। तो आर की पावर यहाँ पर पुट करते जाइए और आंसर निकालते जाइए। तो सबसे पहले आर की पावर 1 है कि नहीं बताइए। तो आयोटा की पावर 1 + 2 + 3 + 4 बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर इसके बाद आगे आयोटा की पावर 5 + 6 + 7 + 8, यस और नो? ऐसे करते 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 लास्ट में आयोटा की पावर 100 आएगा, यस और नो? अब आप देखिए सर, मैंने आपको बताया था कि आयोटा की लगातार 4 पावर का सम 0 होता है, होता है कि नहीं होता है? कि ये क्या प्रोड्यूस करेगा? 0। अगले क्या प्रोड्यूस करेगा सर? 0। ऐसे करते करते, क्योंकि आपको पता है 100 में 4-4 के जोड़े बनाओगे तो 25 पेयर बनेंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हाँ, तो ऐसे 25 जीरो प्रोड्यूस होंगे कि नहीं होंगे? सो 0 + 0 25 बार कितना आ गया? 0 आ गया। डन सर, समझ में आया? ओके, अब हम हाई पावर की ओर चलते हैं। आयोटा की हाई पावर्स कैसे निकालते हैं, एक दो क्वेश्चन के थ्रू आपको बताता हूँ कि आयोटा की जो हाई पावर हैं उनको हम किस प्रकार से निकालते हैं। देखिए सर, जैसे आपके पास मैंने क्वेश्चन दे दिया है आयोटा की पावर 71, ये लिख रहा हूँ क्वेश्चन, आयोटा की पावर 71। आपको निकालना है कि आयोटा की पावर 71 की वैल्यू क्या होगी। तो सर कैसे करेंगे, 71 सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप ये देखो कि आयोटा के 4-4 के पेयर तो पूरे 1 हो जाते हैं कि नहीं हो जाते, बताइए सर? तो मैं देखता हूँ कि इसमें 71 में 4 के पेयर कितने बनेंगे। तो 4 में डिवाइड करो, 4 बन जाए 4, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 4 × 7 = 28 और पावर बची 3। ठीक है सर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको सर? इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 71 इज इक्वल्स टू 4i की पावर, देखिए सर फंडामेंटल डिवीजन थ्योरम से 71 इज इक्वल्स टू 17 × 4 + 3, बोली हाँ है ना? बिल्कुल। तो इसको 17 × 4 + 3 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, देखिए आयोटा की पावर 4 और बाहर 17 और प्लस 3। ठीक सर, आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती हैं और घाते जुड़ जाती हैं तो आधार समान हो जाते हैं, रिवर्स यूज़ करेंगे तो आयोटा की पावर 4 की पावर 17 मल्टीप्लाई बाई आयोटा की पावर 3, ये तो पूरा का पूरा 1 हो जाएगा ना सर, केवल बचेगा आयोटा की पावर 3। तो आंसर आ गया आयोटा की पावर 3 मतलब माइनस ऑफ आयोटा। कुल मिलाकर के आपको क्या कंसेप्ट याद रखना है कि आयोटा की पावर में कोई भी नंबर हो उसको आपको आयोटा इज इक्वल टू 4 times कोशियंट प्लस आर की फॉर्म में तोड़ना है और फाइनली आंसर बनेगा आयोटा की पावर आर, मतलब केवल रिमाइंडर से मतलब रखना है। ठीक है सर, इसको नोट कर लीजिए, केवल रिमाइंडर से मतलब रखना है। फिजिकल स्टेट, हाँ सर, क्लियर सर इतना? चलिए सर, तो ये देखा आपने आयोटा की पावर एन को सीधे सीधे हम आयोटा की पावर आर यानी कि रिमाइंडर पर खेलेंगे। चलिए सर कुछ क्वेश्चन हो जाए। आयोटा की पावर 39 की वैल्यू बताइए कॉपी में सॉल्व करके जल्दी से, एक मिनट के अंदर। बिल्कुल सही, वेरी गुड सर, आयोटा पर 3 - i, बिल्कुल सही, आपने मन में सॉल्व कर लिया, बहुत अच्छी बात है सर, ऐसे ही सॉल्व करना है। अब देखिए सर, मैं आपको आयोटा की नेगेटिव पावर बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है आयोटा की पावर -435। कैसे करेंगे? वही तरीका सर, आयोटा पावर -435 को आप लिख लीजिए 1/ आयोटा की पावर 435। ठीक है सर, आयोटा पावर 435। अब इसको नीचे नीचे सॉल्व कर लीजिए सर, आयोटा पावर -435 को आपने लिख लिया 1/ आयोटा की पावर 435।
अब इसको नीचे नीचे सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करो सर? पावर से 435 में 4 का डिवाइड कर दूँ, 4 एकम 4। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही सर। तो यहाँ पर 104, बिल्कुल भाई, आयोटा की पावर यहाँ पे 3 बचा, तो 1/ कितना हो गया सर? माइनस आयोटा। क्लियर सर? अब देखिए सर, अब देखिए इसको हमको रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इसको ये हमको प्रॉपर फॉर्म में लेके आना है, और कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा कभी नीचे नहीं बैठता है ना, इमेजिनरी नंबर को ऊपर रखना पड़ता है। तो देखिए 1/ है माइनस आयोटा, तो माइनस 1/ आयोटा कर लीजिए, आयोटा का मल्टीप्लाई ऊपर और आयोटा का मल्टीप्लाई नीचे, ऊपर हो गया माइनस आयोटा, नीचे आयोटा का स्क्वायर मतलब माइनस 1, इससे ये कैंसिल। बोलो आंसर कितना आ गया? क्लियर है सर? हाँ, तो ये हो गई आयोटा की नेगेटिव पावर। ठीक है सर, चलिए अगला सवाल आपसे करता हूँ मैं। अंडर रूट माइनस ए मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट माइनस बी, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर ए और बी पॉजिटिव हैं, मतलब ये खुद में नेगेटिव हो चुके हैं, तो इनकी वैल्यू बताइए कितनी होगी? अंडर रूट माइनस से अंडर रूट माइनस बी, बिल्कुल गलत सर। वही मैं सोच रहा था कि आप गलती करें, और आपने गलती कर दी। देखिए सर, रियल नंबर के लिए m इंटू एन इक्वल टू रूट एम एन का फॉर्मूला लगता है, आपने 9th क्लास में पढ़ाया भी होगा, ये रियल नंबर के लिए है। ये सुनो, ये देखिए सर, यहाँ पर जो है ये आयोटा रूट ए मल्टीप्लाई बाई आयोटा रूट बी, सो आयोटा इंटू आयोटा कितना हो गया? आयोटा स्क्वायर अंडर रूट ए बी, सो ये हो गया माइनस अंडर रूट ए बी। क्लियर है सर? हाँ, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक ना? ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखिए माइनस अंडर रूट ए बी। तो यदि दोनों नेगेटिव है सर, तो आपका वो वाला रूल नहीं लगेगा। अगर पॉजिटिव रियल नंबर हैं, ए और बी पॉजिटिव हैं, तो ये रूल लग जाएगा, या एक नेगेटिव है तो लग जाएगा, बट दोनों अगर नेगेटिव हैं तो ये रूल नहीं लगेगा। ठीक है सर, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है, सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं। आपके पास सर ऑलरेडी रियल नंबर थे, एंड रियल नंबर्स को हमने रियल एक्सिस पे प्लॉट किया था, ये रियल एक्सिस थी, इस पे बीच पे 0 आता था, इधर पे 1, इधर पे 2, और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी चलता था, और इधर पे माइनस इन्फिनिटी चलता था। ठीक है सर, इस एक्सिस को हम रियल एक्सिस बोलते हैं। अब सवाल ये है कि इमेजिनरी नंबर को इस एक्सिस में तो हम जगह दे नहीं सकते हैं, तो हमने इमेजिनरी नंबर को जगह देने के लिए एक और एक्सिस मान ली, और इस एक्सिस को हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है सर? यस, इस पर हम क्या बैठा लेंगे? आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, और नीचे की तरफ सर माइनस आयोटा, -2 आयोटा, -4 आयोटा, -3 आयोटा, व्हाटएवर, ये सारे के सारे हमारे पास बैठेंगे सर। ठीक है, अब हमारे पास दो एक्सेस बन चुके हैं सर, एक रियल एक्सेस बन चुका है और एक इमेजनरी एक्सेस बन चुका है। यदि मैं यहाँ पर कोई नंबर सपोर्ट करता हूँ, ये देखिए ये नंबर, तो इस नंबर के दो पार्ट हैं, इस नंबर का एक्स एक्सेस के अलॉन्ग जो पार्ट है वो है 2, और इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग पार्ट है 3। ठीक है सर, इस व्यवस्था को बोलते हैं हम क्रमित युग्म, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर, यह कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर। और इस प्लेन को जिसमें कि दो एक्सिस हैं, एक रियल एक्सिस है और एक इमेजिनरी एक्सिस है, इस प्लेन को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, सॉरी इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन ही बोलते हैं। कार्टेशियन प्लेन तो सिंपल एक्स और वाई वाला होता है, ये कहलाता है सर कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्या कहलाता है? सम्मिश्र तल। हाँ, और
यहाँ पर सम्मिश्र तल में हर बिंदु को हम एक संख्या के द्वारा निरूपित करते हैं, जिसके दो भाग होते हैं, एक वास्तविक भाग और एक काल्पनिक भाग, और ये संख्या बनेगी जेड इक्वल टू 2+3i। हाँ, तो वास्तविक और अधिकल्पित भाग के संयोजन से जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ठीक है सर? तो सम्मिश्र संख्या का जो रूप दिखाई देगा आपके सामने वो इस तरीके से दिखाई देगा, जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, जिसमें ए इसका वास्तविक भाग है और बी इसका अधिकल्पित भाग है। वास्तविक भाग को रियल बोलते हैं, तो रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू ए और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू बी। ठीक है सर? इमेजिनरी पार्ट जो होगा उसको हम बी बोलेंगे, रियल पार्ट जो होगा वो ए कहलाएगा और इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो बी कहलाएगा। चलिए, तो लिखा हुआ है जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी सम्मिश्र संख्या है, ए और बी इसके वास्तविक और काल्पनिक भाग है, रियल जेड इक्वल्स टू ए एंड इमेजिनरी जेड इक्वल्स टू बी। हाँ सर, नोट कीजिए कि सम्मिश्र संख्याओं का तुलना संभव नहीं है। संभव नहीं है। जी हाँ सर, सम्मिश्र संख्याओं की तुलना संभव नहीं है। ठीक है, तो सर जो अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनकी हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। क्यों? आप रियल नंबर में कंपैरिजन कर सकते हो कि 2 से बड़ा है 3, बट आप कहो कि 2+iota से बड़ा है 3+iota, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ये देखिए सर, ये लिख दिया मैंने, मतलब सम्मिश्र संख्याओं को आप कंपेयर नहीं कर सकते। क्लियर है? ये लिख लीजिएगा सर, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी में रियल पार्ट को बोलते हैं ए, इमेजिनरी पार्ट को बोलते हैं बी। डन सर? चलिए आगे आते हैं, सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित एलजेब्रा पढ़ेंगे। सम्मिश्र संख्याओं का, सम्मिश्र संख्याएं सर बराबर होंगी अगर सम्मिश्र संख्याएं बराबर हैं। इस तरीके से लिखिए सर, जेड वन इक्वल टू ए वन प्लस आई बी वन, जेड वन इक्वल टू ए वन प्लस आई बी वन एंड जेड टू इक्वल टू ए टू प्लस आई बी टू। सर अगर दो समय संख्या आपके पास जेड वन जेड टू बराबर हैं, मतलब ए वन प्लस आई बी वन इक्वल टू ए टू प्लस आई बी टू। सर इसका रूल होता है ए वन इक्वल टू ए टू एंड बी वन इक्वल टू बी टू, मतलब रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। लिख लीजिए सर, रियल इक्वल टू रियल, इमेजिनरी इक्वल टू इमेजिनरी, ए वन इक्वल टू ए टू एंड बी वन इक्वल टू बी टू। ठीक है सर? हाँ, सिंपल जोड़ने का तरीका सर क्या रहेगा ये देख लीजिए। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास में हैं, इनको जोड़ना है, तो रियल को रियल से जोड़ो, ए को सी के साथ जोड़ो एंड इमेजिनरी को इमेजिनरी से जोड़ो। ठीक है ना? बी प्लस डी, इमेजिनरी को इमेजिनरी से जोड़ो। हाँ, ए वन ए टू से जुड़ेगा एंड बी वन बी टू जुड़ेगा और साथ में आई बाहर रहेगा। क्लियर सर? तो आपका आंसर आया होगा ए वन प्लस ए टू प्लस आई ब्रैकेट में बी वन प्लस बी टू। डन? यस सर। अब देखिए सर, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, ठीक है ना, अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं,
अगर ए बराबर जीरो हो गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा, जेड इक्वल टू आयोटा बी बनेगा सर। हाँ तो केवल आयोटा वाला पार्ट है, रियल वाला पार्ट जीरो है, तो इसको बोलते हैं शुद्ध काल्पनिक संख्या, काल्पनिक सम्मिश्र संख्या, ठीक है सर। हाँ और अगर बी वाला पार्ट जीरो हो गया, और अगर बी वाला पार्ट जीरो हो गया तो केवल क्या बचेगा, जेड इक्वल टू ए। अगर बी वाला पार्ट जीरो हो गया तो केवल क्या बचेगा, जेड इक्वल टू ए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शुद्ध वास्तविक संख्या। अगर b इक्वल टू जीरो हो गया तो केवल z इक्वल टू ए बचेगा, तो इसको हम बचेंगे बोलेंगे शुद्ध वास्तविक संख्या, शुद्ध वास्तविक सम्मिश्र संख्या, ठीक है सर। तो जब भी क्वेश्चन आएगा सर शुद्ध काल्पनिक का, तो आपको किसको जीरो करना पड़ेगा, वास्तविक को, बिल्कुल सही। और जब भी प्रश्न आएगा शुद्ध वास्तविक का तो आपको उसके काल्पनिक भाग को जीरो करना पड़ेगा, ठीक है सर। चलिए अगले कुछ प्रॉपर्टी, नंबर वन है सम्मिश्र संख्याओं का योग की प्रॉपर्टी, ठीक है ना सर। सर पहली प्रॉपर्टी होती है कि सम्मिश्र संख्याओं के योग के लिए संवृत्त होता है। संवृत्त का मतलब होता है सर कि सम्मिश्र पर सम्मिश्र बराबर सम्मिश्र मिलेगा, दूसरा क्रम विनिमेय, तीसरा सहचर्य। और सर इसके लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछले वाले एग्जाम में सर कि सम्मिश्र संख्या के लिए योग तत्समक क्या होता है, एक उत्तर जीरो भी था मगर करेक्ट आंसर था जीरो प्लस जीरो आयोटा। लिख लीजिए सर योग का तत्समक अवयव। जी सर नहीं, ये वर्ग एक में आया था, पिछले बार वर्ग दो में तो इन लोगों ने सिलेबस ही अलग दिया था। योग का तत्समक अवयव सर जीरो प्लस जीरो अटैव, ठीक सर। अगला सर योज्य प्रतिलोम, बताइए सर जेड का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस जेड, बिल्कुल सही सर। तो जेड का योज्य प्रतिलोम माइनस जेड होगा, मतलब एक्स प्लस आई वाई की जगह माइनस एक्स माइनस आई वाई, ठीक सर। चलिए दो संख्याएं लीजिए सर जेड वन जेड टू जो आपके स्क्रीन में है, ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी, दोनों का गुणा करके दिखाइए कितना रहा, ए प्लस आई बी सी माइनस आई डी सी प्लस आई डी, दोनों स्क्रीन पे दिख रही ना, हाँ इनका गुणा करके बताइए कितना आएगा। ए सी प्लस आयोटा इन टू, नहीं सर गलत बता रहे हैं, अच्छे से गुणा करिए सर स्टेप बाई स्टेप। अच्छा, करना। गुणा करना है सर, गुणन गुणन। अच्छा, आराम से करिए आराम से करिए। बोलिए सर, इसका आ रहा है ए सी प्लस आयोटा ए टी प्लस बी सी प्लस माइनस बी। हाँ बिल्कुल सही है सर, उसको अरेंज कीजिए, अब रियल पार्ट को रियल के साथ ले लीजिए और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ ले लीजिए, ले लीजिए जरा सर। हाँ बिल्कुल माइनस बी डी होगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है माइनस हो चुका होगा। बिल्कुल सही है सर, तो ए सी माइनस बी डी एंड आयोटा ए डी प्लस बी सी, क्लियर सर। हाँ अब मुझे बताइए सम्मिश्र संख्याओं का गुणन संवृत्त नियम का पालन करेगा, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है क्योंकि जो गुणनफल है वो भी संवृत्त हो रहा है, मतलब वो भी सम्मिश्र आ रहा है, ठीक है ना सर। हाँ संवृत्त का मतलब समझते हैं सर,
समवृत्त का मतलब होता है कि जाति प्लस जाति बराबर सेम जाति, धनात्मक के लिए बकरी प्लस बकरी बराबर बकरी, है ना, तो सेम सेम मतलब उसी जाति से जन्म लेगा। अगला लिखिए सर, गुणन क्रम विनिमेय का पालन करते हैं, मतलब जेड वन इंटू जेड टू इक्वल टू जेड टू इंटू जेड वन, क्रम विनिमेय का पालन करते हैं, बस ऐसी शॉर्ट में लिखिए सर, जेड वन इंटू जेड टू इक्वल टू जेड टू इंटू जेड वन, स्क्रीन में आपके दिख रहा है, पीडीएफ चाहे तो ओपन कर लें आप साइड में, चैप्टर नंबर 5 का। अगला सर, साहचर्य नियम का भी पालन होता है, यह साहचर्य नियम मतलब सर चिपकू नियम, पहले दो के साथ चिपकेगा फिर एक के साथ चिपकेगा, फिर नोट करिए सर, ये जेड वन इंटू जेड टू होल जेड थ्री, ये वाला नियम क्लियर है सर आपको? देन सर अब निकालिए आप, हाँ तत्समक अवयव निकाल के, गुणन का तत्समक अवयव बताइए दिमाग से कि जेड में ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें जिससे कि जेड आ जाए, लिखिए गुणन का तत्समक अवयव ज्ञात करो, बताइए सर गुणन का तत्समक अवयव। आप बताइए गुणन का तत्समक अवयव ज्ञात करो, सवाल समझ में आया? जेड में किसका गुणा करोगे कि जेड मिलेगा? नहीं कर सकते वन का, क्योंकि वन जो है कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो वन को कॉम्प्लेक्स बनाओ सर, वन प्लस जीरो आयोटा, वन प्लस जीरो, ठीक है सर? हाँ तो जो तत्समक अवयव होगा सर वो होगा वन प्लस जीरो आयोटा, ये देखिए सर स्क्रीन पे दिख रहा है। अब लिखिए सर सम्मिश्र संख्या का प्रतिलोम, आयुषी बेटा तुम उठो इधर आओ। सर सम्मिश्र संख्या का प्रतिलोम, तो अगर आपके पास कोई सम्मिश्र संख्या ए प्लस आई बी है तो उसका प्रतिलोम कितना होगा सर, वन अपॉन ए प्लस आई बी, ठीक है सर? क्योंकि जेड का प्रतिलोम क्या कहलाएगा, वन अपॉन जेड, जेड का प्रतिलोम बनेगा सर वन अपॉन जेड, इसी को बोलते हैं जेड इनवर्स, क्लियर सर? चलिए अब ए प्लस आई बी का प्रतिलोम कैसे ज्ञात करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ए प्लस आई बी का प्रतिलोम, तो लिखिए ए प्लस आई बी का प्रतिलोम बराबर वन अपॉन ए प्लस आई बी, इसका इनवर्स बराबर वन अपॉन ए प्लस आई बी, और इसका सर अब क्या करना पड़ेगा आपको, इसका आपको परिमेयीकरण करना पड़ेगा, तो ए माइनस आई बी का ऊपर गुणा और ए माइनस आई बी का नीचे, क्लियर हुआ सर? चलिए करके दिखाइए सर कितना आएगा, ए प्लस आई बी का प्रतिलोम मेरे को निकाल के दिखाइए, बताइए सर बताइए। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेरी गुड सर, बिल्कुल सही आपने बताया, है ना, मतलब एक जगह आपका माइनस आई बी का मल्टीप्लाई हुआ होगा तो वहाँ पे माइनस अलग से आ गया होगा जिसकी वजह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जनरेट हो गया, है ना? हाँ तो सर ये हमेशा के लिए एक इसको कंसेप्ट बना लीजिएगा कि नीचे हमेशा प्लस आता है, ए माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर सर? अच्छा एक चीज़ और मैं साइड में बताता हूँ आपको कि जैसे आपने वन अपॉन ए प्लस आई बी किया तो आपका आंसर आया ए माइनस आई बी अपॉन बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक सर?
ये जो a माइनस आई बी आया है सर, इसको सर जेड का कॉन्जुगेट बोलते हैं, कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी। तो यदि कोई जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है सर 3 + 4i, तो इसका जो कॉन्जुगेट होता है, जो संयुग्मी होता है, वो होता है सर 3 - 4i। ठीक सर, लिखा ना सर मैंने स्क्रीन पे, स्क्रीन पे देखिए। हाँ, तो इसका जेड बार जो होगा, जिसका जो कॉन्जुगेट होगा, संयुग्मी होगा, वो 3 - 4i। हाँ, तो उसका 3 + 4i हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल। साइन जो होगा बदल जाएगा, और किसका बदलेगा सर? इमेजिनरी पार्ट का। हाँ, रियल का बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है ना। तो 3 + 4i, 3 - 4i, डन सर। ओके, अब एक चीज और बताता हूँ सर, लिखो कॉपी में मापांक। मापांक को मॉडुलस बोलते हैं यहाँ पे। हाँ, वही मॉड छोटा नाम है, मॉडुलस बड़ा नाम है। ठीक सर, तो अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड बराबर ए प्लस आई बी, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड बराबर ए प्लस आई बी, तो उसका जो मैग्नीट्यूड निकलता है मॉड जेड इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस आई बी, आई बी। ठीक है ना, स्क्रीन पे देख सकते हैं आप मॉड ऑफ ए प्लस आई बी, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये नोट कर लीजिए, ये इसका मापांक है। ये इसका मापांक है, ठीक है सर। तो अगर मैं इसका वर्ग कर दूं सर, तो मॉड जेड का वर्ग बोलो कितना आ जाएगा? मॉड जेड का वर्ग बोलो ना आप, कितना आएगा? रूट हट जाएगा, बिल्कुल सही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, यही सीखना था। तो अभी आपने देखा था जेड इनवर्स जो होता है, बताया था आपने ए माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताए थे। हाँ, तो ए माइनस आई बी को हम क्या लिख सकते हैं? जेड बार, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं मॉड जेड का स्क्वायर। हाँ, या ना? तो लिख लीजिए, फॉर्मूला बन गया जेड इनवर्स का, जेड इनवर्स बराबर जेड बार अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर। क्लियर? हाँ जी सर। तो ये देखिए, ये आ चुका आपके सामने स्क्रीन पे, a माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसका प्रतिलोम है? a प्लस आई बी का प्रतिलोम है। ठीक सर, चलिए अब देखिए, गुणन में इस तरीके के नियम का पालन होता है, इसको बोलते हैं वितरण नियम। ठीक है सर, वितरण नियम का पालन होता है। तो जेड वन ब्रैकेट में जेड टू प्लस जेड थ्री इक्वल टू पहले जेड टू के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर जेड थ्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? बना लीजिए सर इसको, एक लिख लीजिए कि जेड वन इंटू जेड टू प्लस जेड थ्री इक्वल टू जेड वन जेड टू प्लस जेड टू जेड थ्री, सॉरी जेड वन जेड थ्री। वितरण नियम, वितरण नियम, वितरित कर दिया ना, जेड वन को वितरित कर दिया। हाँ, बिल्कुल सर। तो गुणा जो है किस पर वितरित हो रहा है? योग पर, है ना। चलिए अगला लिखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का भाग। दो कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए सर, ए प्लस आई बी और सी प्लस आई डी। आई बी जेड वन, जेड वन ले लो ए प्लस आई बी, और जेड टू ले लो सी प्लस आई डी। ठीक है जी सर। चलो दोनों का भाग करके देखो, दिखाओ मेरे को जेड वन अपॉन जेड टू करके दिखाओ।
बनाइए, कैसे होगा? बिल्कुल सही सर, सी प्लस आई डी का दोनों पक्षों में परिमेयीकरण, ऊपर भी गुणा सी माइनस आई डी का, नीचे भी गुणा सी माइनस आई डी का करिए। आ गया, बोलिए सर आंसर बोलिए। हाँ, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही है। मगर अब इसमें सर यदि पूछेगा कि इसका वास्तविक भाग क्या है और इसका काल्पनिक भाग क्या है, तो उसको आपको बांटना पड़ेगा, ठीक है ना सर? हाँ, तो आयोटा से उसको अलग कर लीजिए। अब देखिए स्क्रीन पे देखिए, जो आपके जेड वन अपॉन जेड टू दिया है मैंने, वैसा लिखिए, दिख रही स्क्रीन पे सर? हाँ, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये है वास्तविक भाग, और प्लस आयोटा करके बी सी माइनस ए डी, ए डी को पीछे कर दो और बी सी को आगे कर दो, ये बन गया काल्पनिक भाग। ओके, चलिए अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। एक क्वेश्चन मेरे ध्यान में आया, मुझे बताइए 3 + 4 आयोटा का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 3 + 4 आयोटा का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? बिल्कुल गलत। देखिए सर, यही गलती कर दी आपने, मुझे संयुग्मी बता दिया, और अभी आपने खुद बताया था कि सर अगर कोई नंबर है जेड तो उसका योज्य प्रतिलोम होगा माइनस जेड, ठीक है सर? तो इसी का नेगेटिव नंबर -3 - 4 आयोटा, ठीक ना? कंजुगेट अलग है सर, संयुग्मी अलग है, और योज्य प्रतिलोम अलग है, और तत्समक अवयव अलग है, ठीक सर? चलिए, तो योज्य प्रतिलोम के बारे में बात हो चुकी है। योज्य प्रतिलोम माइनस ए माइनस आई बी है, मगर संयुग्मी होता है ए माइनस आई बी, ठीक सर? अब चलिए, ये कुछ प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी हुई है। पहली प्रॉपर्टी है जेड के संयुग्मी का संयुग्मी बराबर जेड, क्लियर? दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, तीसरी देखिए, बताइए कौन सी प्रॉपर्टी आपको समझ में नहीं आ रही है, और इसको कॉपी में साथ ही साथ में करते जाइए। जैसे दूसरी प्रॉपर्टी आ गई समझ में, जेड बार, हाँ जेड प्लस जेड का संयुग्मी, तो जेड है एक्स प्लस आयोटा वाई, और जेड का संयुग्मी क्या हो गया, एक्स माइनस आयोटा वाई। अगर दोनों को आप जोड़ दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और केवल क्या बन जाएगा, 2x, 2x मतलब दो रियल पार्ट ऑफ जेड, क्लियर हुआ सर? वही 2a मतलब टू रियल पार्ट ऑफ जेड, है ना? हाँ, और जेड माइनस जेड बार करने का 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है सर? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सर 1 मार्क्स में, सीधे लिख देगा जेड माइनस जेड बार क्या होगा, ठीक ना? 2 रियल पार्ट ऑफ जेड होगा, 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होगा, -2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होगा, या 0 होगा। अब जो थोड़ा सा पढ़ के जिनको मेमोरी में है खटाक से कर देंगे, क्लियर सर? बिल्कुल सर, पीडीएफ से प्रॉपर्टी देखिएगा और एक एक बार इनको कॉपी में लिख लीजिएगा, जिससे कि एग्जाम में थोड़ा याद रहे, ठीक है सर? हाँ चलिए, थर्ड प्रॉपर्टी पढ़िए सर, जेड इक्वल टू जेड बार, हाँ कब होगा? ये तब होगा जब रियल, बिल्कुल सही, हाँ
बिल्कुल, जब रियल प्योरली रियल होगा। अब इसको कैसे करोगे सर, देखो गया है जेड इक्वल टू जेड बार, एक सेकंड स्क्रीन में आ जाइए। हाँ जेड इक्वल टू जेड बार दिया है, तो जेड इक्वल टू कितना हो गया एक्स प्लस आई वाई, और जेड बार कितना हो गया एक्स माइनस आई वाई, तो एक्स से एक्स क्या हो गया कैंसिल, है ना। अब यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा टू आई वाई इक्वल टू कितना जीरो, और टू आई वाई जीरो कब होगा जब वाई इक्वल टू कितना होगा जीरो। क्लियर, मतलब इसके होने के लिए इसको कैसा होना चाहिए, शुद्ध वास्तविक। डन सर, चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, जेड प्लस जेड बार इक्वल टू जीरो, मतलब कौन सी संख्या है जेड, जेड बार इक्वल टू जीरो करके देखिए, खुद से बनाइए सर। हाँ, मतलब ये ऐसा कब होगा जेड प्लस जेड बार इक्वल टू जीरो होगा जिस समय शुद्ध काल्पनिक संख्या है। सर वैसे गलत आया आपका, आपकी अप्रोच गलत है, मतलब आंसर सही है मगर अप्रोच गलत है। देखिए कैसे करते हैं, जेड प्लस जेड बार इक्वल टू जीरो लिखिए, लिखा जेड प्लस जेड बार इक्वल टू जीरो। अब जेड का मतलब होता है ए प्लस आई बी, और जेड बार का मतलब होता है ए माइनस आई बी इक्वल टू जीरो। आई बी से आई बी क्या हो गया कैंसिल, तो टू ए इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ए इक्वल टू जीरो, और ए क्या है रियल जेड, रियल जेड इक्वल टू जीरो जीरो। और अगर वास्तविक भावक जीरो हो गया है तो मतलब कौन सी संख्या होगी पूर्ण काल्पनिक। ऐसे ही किया मेरे ख्याल से आपने भी ना, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट, नहीं हाँ टू ए बराबर जीरो था, उसको थोड़ा सा और आगे हल करा मैंने, आपका सही है गलत नहीं है बिल्कुल। तो टू ए बराबर जीरो को हल करके ए इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा, और ए इक्वल्स टू जीरो का मतलब वास्तविक भाग बराबर जीरो। ठीक सर, देख लीजिए स्क्रीन पे, क्लियर है, ओके डन। चलिए बिल्कुल पूर्ण काल, बिल्कुल शुद्ध काल्पनिक, वास्तविक जीरो मतलब शुद्ध काल्पनिक, और काल्पनिक जीरो मतलब शुद्ध वास्तविक, डन, उल्टा है। चलिए अगला लिखा है सर, जेड इंटू जेड बार कितना होता बताइए, करके देखिए कॉपी में, पहले भी कर चुके हैं आप, थोड़ी स्पीड के साथ करिएगा। जेड इंटू जेड बार क्या होगा सोच के बताइए, बिल्कुल सही। तो क्या है इसको हम रियल जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जेड का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस इमेजिनरी जेड का स्क्वायर, तो प्रॉपर्टी क्लियर हो गई आपकी, डन। चलिए अगली प्रॉपर्टी नोट करिए सर कॉपी में, ये बहुत काम की है, जेड वन प्लस जेड टू का बार इक्वल टू जेड वन बार प्लस जेड टू बार, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इक्वल टू जेड वन बार प्लस जेड टू बार। जेड वन बार प्लस जेड टू बार सर, जेड वन प्लस जेड टू नहीं, जेड वन बार प्लस जेड टू बार, ठीक मैं नहीं बताऊंगा, रुक। वाई डज एवेपोरेशन प्रोड्यूस अ लिक्विड, वाई डज एवेपोरेशन कूल अ लिक्विड, एक सेकेंड रुको बच्चों, 13 ना, हाँ ठीक है सही एकदम। इवेपोरेशन किसी लिक्विड को कूल कैसे करता है, एकदम सही है, कैसे
वाई मतलब कैसे? चलो, हेलो सर, यस सर, सो जेड वन प्लस जेड टू का बार इक्वल टू जेड वन बार प्लस जेड टू बार एंड जेड वन माइनस जेड टू बार इक्वल टू जेड वन बार माइनस जेड टू बार. क्लियर सर? चलिए फिर इस पर एक क्वेश्चन हो जाए. लिखिए क्वेश्चन, जेड प्लस जेड प्लस जेड प्लस जेड अप टू एन टाइम्स जेड, ठीक है सर, का बार. क्लियर है? इक्वल्स टू जेड बार अपॉन एन सेकेंड एन टाइम्स ऑफ जेड बार, ठीक है ना, एंड थर्ड जेड बार प्लस एन एंड जेड बार प्लस जेड. बताइए कौन सा ऑप्शन सही है सर? हाँ, एन टाइम्स ऐड हुआ सर, ये एन टाइम्स है, ये पहली बार दूसरी बार करते करते एन बार. हाँ सर, सेकंड सही होगा. देखिए सर, इसमें कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास जेड को आप एन बार जोड़ोगे तो कितना आएगा, एन जेड आएगा और ये बन जाएगा एन जेड का होल बार, है ना. और एन जेड का होल बार जो इक्वल होगा एन टाइम्स जेड बार के. कैसे होगा ये देख लीजिए, अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है जेड वन प्लस जेड टू का होल बार इक्वल टू जेड वन बार प्लस जेड टू बार, पढ़ी नहीं प्रॉपर्टी, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं. जेड जेड बार एन बार है तो इसको ये हो जाएगा जेड बार प्लस जेड बार प्लस जेड बार, इस चीज को कर रहे हैं प्लस एन बार जेड बार. हाँ या सर, अगर दो बार ऐड करते तो टू जेड बार, अगर तीन बार ऐड करते थ्री जेड बार, तो एन बार जेड करोगे तो क्या होगा, एन जेड बार. यस सर, सो आंसर क्या हो गया, एन जेड बार, ठीक है ना. यस, तो इस पर ये बेस एक न्यूमेरिकल था. अगली प्रॉपर्टी लिखिए सर, जेड वन इंटू जेड टू का होल बार इक्वल टू जेड वन इंटू जेड टू का होल बार इक्वल टू जेड बार इंटू जेड टू बार. ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन. अभी जब आपने देखा था सर एक चीज और, कि जेड वन इंटू जेड टू इक्वल टू जेड टू इंटू जेड वन, मतलब ये नोट कर लीजिए, गुणन में ये कॉम्यूटेटिव नियम का पालन होता है. ठीक सर, कॉम्यूटेटिव मतलब क्रम विनिमेय. अब एक सवाल आपको दे रहा हूं, जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू अप टू जेड एन बार की होल कंजुगेट, ठीक है सर, इसका आपको आंसर बताना है क्या होगा, बताइए. ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है जेड की पावर एन का बार लिखा हुआ है. बताइए क्या होगा इसका आंसर. नहीं सर, गलत. इसका आंसर होगा सर जेड बार की पावर एन. क्लियर करूं सर कैसे होगा. देखिए सर,
अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जेड वन इंटू जेड टू का होल बार इक्वल टू जेड वन बार इंटू जेड टू बार, पढ़ी ना सर? तो इतने सारे जेड का बार, मतलब कि जेड का बार इंटू जेड का बार इंटू जेड का बार, ऐसे डॉट 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 करते करते एन टाइम्स ऑफ जेड का बार, बोलिए हाँ है ना? तो जब इतने बार सर जेड का बार होगा, जेड का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर? जेड बार की पावर एन, है ना सर? हाँ, तो क्या हो गया सर? बेस्ट फॉर्मूला लिखिए सर कि जेड की पावर एन का कॉन्जुगेट इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट की पावर एन। है ना सर? और इसके पहले मैंने एक और पढ़ाया क्या, एन जेड का कॉन्जुगेट इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ जेड का कॉन्जुगेट। हो गया सर दो फॉर्मूले? बिल्कुल सर। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे पूरी हो जाती है सर। जेड वन इंटू जेड बार इक्वल टू जेड वन बार जेड टू बार, इसका भी न्यूमेरिकल अपन ने कर लिया। अभी एक लास्ट प्रॉपर्टी लिख लो सर, जेड वन अपॉन जेड टू का होल बार इक्वल टू जेड वन बार अपॉन जेड टू बार। क्लियर? ठीक है सर, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके सर, देखिए अब अगला टॉपिक है सम्मिश्र संख्या का मापांक, जो कि मैंने आपको बता दिया कि सम्मिश्र संख्या का मापांक होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है सर? ओके, मापांक क्या होता है सर, लिख लीजिए, किसी सम्मिश्र संख्या की मूल बिंदु से दूरी होती है। जैसे ये कोई सम्मिश्र संख्या सर ए प्लस आई बी, तो इसके दो भाग होंगे रियल एंड इमेजिनरी ए कॉमा बी। तो यहाँ से इसकी जो दूरी होती है सर, ये इसका मापांक कहलाती है। एंड यू नो दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा सर? हाँ, क्योंकि ये वाला हिस्सा ए होगा, ये वाला हिस्सा बी होगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? तो ये कहलाता है मापांक। लिख लीजिए, मापांक मतलब सम्मिश्र संख्या की मूल बिंदु से दूरी। डन सर। अब देखिए सर, सम्मिश्र संख्या एक्स अक्ष से, यानी कि वास्तविक अक्ष से, यह है वास्तविक अक्ष रियल जेड, यह आ गया, से जो कोण बनाती है इसको बोलते हैं कोणांक। तो थीटा जो होता है सर, उसको हम बोलते हैं कोणांक ऑफ जेड, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर। जो कोण बनता है सर, उसको हम बोलते हैं कोणांक। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सर आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो जितने क्वेश्चन आएंगे सर, आपको हिंदी में कोणांक दिखेगा, इंग्लिश में आपको कोणांक आर्गुमेंट दिखेगा। डन सर? चलिए सर, अब मैं आपको होमवर्क दे करके जा रहा हूँ आज। 5.1.10 की पूरी प्रॉपर्टी आप मेरे को वेरीफाई करके भेजोगे, जैसे आपने अभी वेरीफाई करी ना इसकी प्रॉपर्टी सर। किसकी वेरीफाई करी?